लोक भगवान। नमस्कार दगड़ियों, जाओ बताओ कोई मेरे YouTube चैनल ही देख रहे हैं। ऊंचा सैंडल छन हमारी ताई जी, सावधान रहे, सतर्क रहे। इनका गुड मॉर्निंग 10 बजे हो रहा है। पितृ देवताओं के नाम पे जाते हैं, आपका भी जरूर खाने का मन होगा। नीचे नीचे जल भी गए हैं। क्या बोलते हैं, का फल बिल्कुल बहुत मीठा है, एकदम जकास। अभी जी कर रहे हैं अभी फैशन। जय हो मां मठियाणा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। बड़ों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, छोटों को दो जीव भारी का आशीर्वाद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्यूट पहाड़ा ऋतु राणा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के सामने। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करें सुबह की ताजी सी गुड मॉर्निंग में। और दोस्तों, आज के ब्लॉग में इस साल के सबसे फर्स्ट काफल लेने जा रहे हैं हम लोग जंगल। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं हमारे उत्तराखंड में क्या क्या चीज़ें नहीं है। ये बोल दो कि हमारे उत्तराखंड में वो क्या चीज़ है जो यहाँ नहीं है, फिर भी लोग बाहर की ओर प्लान कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको अपने पहाड़ी काफल। यहाँ पर मम्मी पी रही है चाय और पापा देख रहे हैं फोन। पापा के पास न्यू फोन आ गया है, तो पापा अभी मेरे YouTube चैनल ही देख रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे बड़े भैया जी, आप 10 बजे उठ रहे हैं, ये इनका गुड मॉर्निंग 10 बजे हो रहा है। 10 बजे। और भाभी जी देखते हैं क्या कर रहे हैं। भाभी जी कर रहे हैं अभी फैशन मेकअप कर रहे हैं काफल के लिए जाने के लिए आज। वैसे भाभी, आपने काफल देखे हैं कभी? नहीं, आज मैं पहली बार जा रही हूँ काफल के पेड़ को देखने। वैसे तो फोटो पे देखा। अच्छा, इसका मतलब आप भाभी पहली बार जा रही है काफल के पेड़ को देखने और काफल लाने के लिए भी। ठीक है, आज का मौसम देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है। थोड़ी हल्की सी धूप लगी हुई है, साथ ही साथ हल्के हल्के काले बादल भी छाए हुए हैं। और सामने की पहाड़ी पर आप लोग देख सकते हैं एकदम अंधेरा छाया हुआ है, और ठीक हरियाली भी आ चुकी है। आजकल खेतों में गोड़ाई भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर काफल के लिए जाने के लिए भी लड़ाई हो रही है। ये हमारे भाई का चिंटू है, छोटा वाला कमंडल। चिंटू भाभी जी, आप किस पे निकालोगे काफल? यहाँ पर हमारे बड़े भैया जी खाना खा रहे हैं। बजा आराम से खाए, ठीक हो? चलो भाई, चलो जाओ तब। चलो भाई, चलो चलो। भाभी जैसे ही गेट पर आई, भाभी को खतरनाक थकान लग गई। बस अब आगे क्या हाल होगा भाभी? मतलब गेट पर आते आते कितनी दूर है जी? कनके हिटन मीन ऊंचा सैंडल छन नई नई ब्योच हमारो। वैसे दोस्तों, जंगल तो सारे आग से ग्रसित हो रखे हैं, और इस साल के हमारे फर्स्ट काफल के लिए हम जा रहे हैं इस साल पे। तो इस बार बहुत ज़्यादा काफल आ रखे हैं, तो मैं यही कहूँगी जितने भी लोग काफल के लिए जा रहे हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे, पेड़ पर आराम से जाए और टहनी को बिल्कुल ना तोड़े। ये भी काफल का पेड़ है, कितने भयंकर काफल आ रखे हैं इस पर। सबसे पहले हम इसी पेड़ पर निकालेंगे। तो दोस्तों, सावधानी से रहे, कच्चे कच्चे पेड़ों पर ना जाए। नमस्कार दगड़ियों, तो हम निकाल रहे हैं आज काफल। इनको बोलते हैं काफल। क्या बोलते हैं? काफल। गढ़वाली वर्ड क्या है इनका? काफल उत्तराखंड को जो राज्य फल छे, ठीक है, काफल। काफल आप लोग उनते हैनी वाला हम ऐसा खा जैन खाच नुक्का मैंने बता दिया कथा में काफल खेन ठीक दगड़ियो। अगर वीडियो पसंद वाली तो कमेंट जरूर करें। मेरे से तो इतने ही काफल निकाल गए। तो दोस्तों, इस बार काफल कुछ ज़्यादा ही आ रखे हैं, लेकिन आग की वजह से थोड़ा बहुत नीचे नीचे जल भी गए हैं। तो पहाड़ी लोगों ने तो काफल खाए होंगे,
लेकिन जो बाहर के लोग होंगे उन्होंने तो काफल देखे भी नहीं होंगे। तो जिन्होंने खाए हैं वो कमेंट कर देना, और जिन्होंने नहीं खाए हैं वो भी कर देना, उनको भी हम ऑनलाइन भेज देंगे। तो दोस्तों ये हमारा कमंडल है, हमने इस पर थोड़ा बहुत निकाल लिए हैं क्योंकि पेड़ पर हम फोन नहीं ले जा सकते, क्योंकि काफल के पेड़ जो होते हैं बहुत कच्चे होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो काफल होता है अपने पितृ देवताओं के नाम और आपके पितृ देवताओं के नाम करते हैं, उसके बाद अपने सारी देवी देवताओं के नाम, उसके बाद निकालेंगे हम घर के लिए। तो दोस्तों जब हम काफल के लिए आते हैं तो हम खाते नहीं हैं, बल्कि सबसे पहले घर के लिए निकालते हैं और बाद में ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसने निकाले। तो दोस्तों चलते हैं आगे आगे, अभी हम फिलहाल पहुँच चुके हैं अपने घर के ठीक ऊपर। यहाँ पर पूरा बांझ ही बांझ है आगे से लेकर पीछे तक। दोस्तों फाइनली हमने एक कटमल काफल का भर लिया है और अब दूसरा भरेंगे, वो बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। तो काफ़ी दूर पहुंच गए हम लोग, अब चलते हैं ऊपर के साइड। गर्मी से बुरे हाल हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर चप्पल भी टूट गई। पहाड़ में हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत होता है दोस्तों, ये देखो टूटी हुई चप्पल, इससे भी हम अपना गुजारा चलाते हैं। अभी भी ये चप्पल हम फेंकेंगे नहीं, जब पुरानी हो जाएंगी पूरी टूट जाएंगी तब, अभी तो ये काफ़ी चलेंगी। तो दोस्तों इतने काफल तो हमने निकाल लिए हैं, आपका भी ज़रूर खाने का मन होगा। और आपने कितने निकाले भाभी, भर गया? बताओ तो ज़रा, नज़र लग जाती है। अच्छा तो हमने साथ में लाया हुआ है पानी, क्योंकि काफल खाने के बाद पानी की भयंकर प्यास लग जाती है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, यहाँ पर हमारी भाभी जी पेड़ बजाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे दोस्तों काफल का भी एक रहस्य है, एक राज है, मैं आपको बता देती हूँ। जो ये काफल है इसके मतलब जो एक पंछी आती है, वो पंछी आती है काफल पाक को, काफल पाक को, काफल पाक को, मैं बिचा को, ये एक मतलब जो हम पहाड़ में ओ खाण बोलते हैं उसी टाइप का है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, एक माँ और बेटी थी, यानी कि दो, एक माँ और एक बेटी थी, तो वो हमेशा काफल ला के फिर शाम के टाइम उनको बेचने जाती थी। सुबह काफल लाए फिर शाम के टाइम बेचने चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी कहीं चली गई, उसने अपनी बेटी को बोला कि तुम यहीं पर रहना, काफल का ध्यान रखना और शाम के टाइम हम दोनों साथ मिलकर काफल खाएंगे। वो अपनी बेटी को कभी काफल नहीं देती थी। फिर अचानक उसकी मम्मी रात को घर आई तो काफल सिकुड़ने के बाद थोड़ा कम हो जाते हैं। तो उसकी मम्मी ने सोचा कि मेरी बेटी, वो बेटी सो रखी थी, मम्मी ने सोचा कि ये काफल कम क्यों हुए और मतलब इसने खा दिए। उसके बाद मम्मी ने बेटी को बहुत मारा, बहुत मारा, इतना मारा कि मतलब बेटी बोलती रही कि मैंने नहीं खाए, फिर भी मम्मी ने इतना मारा उसकी माँ ने कि उसकी बेटी ख़त्म हो गई। फिर जब जैसे ही सुबह हुई फिर काफल की जो कंडी थी वो खिल गई, मतलब बहुत उतनी ज़्यादा काफल हो गए। तो दोस्तों इसीलिए इसको एक मतलब ओखान टाइप का बोलते हैं कि छोटा सा ओखाड़ के काफल पाको, यही एक काफल का रहस्य है। तो मैंने आप लोगों को आज काफल का रहस्य भी बता लिया है। तो फाइनली हमने एक कमंडल काफल का निकाल, एक डिब्बा कप कमंडल जो है काफल का निकाल लिया है। और अब चलते हैं हम सीधे घर की ओर, घर में अभी खाना भी बनाना है, लगभग टाइम 12 बजे का हो चुका है, ये लोग नीचे पर निकाल रहे हैं। और अब चलते हैं हम सीधा घर की ओर, मिलते हैं दोस्तों आपको ठीक घर में। काफल जाता है वो हमारे पितृ देवताओं के नाम पे जाता है, तो ये हम अपने दादा दादी के नाम पे रखेंगे। उसके बाद हम इतने काफल लाए आज, तो घर में आ रखी है ताई जी, बड़ी ठीक है तो? हाँ ठीक है, मैं ही मैं मानो सब हुआ ज़्यादा नहीं बड़े पे मुड़ मुड़ा ये हमारा ऐसे रखते हैं हमारे पहाड़ों में काफल को सबसे पहले सिर पे, भगवान का प्रसाद मान के चलो। उत्तराखंड राज्य उत्तराखंड का राज्य फल काफल। दोस्तों ये है हमारी ताई जी, सबसे बड़ी ताई जी और बहुत ही अच्छी ताई जी है हमारी। भाई मैं तो को डांडो मेरू चूला गण लगी लोक बजान मैं तो जाला गणी को लही तुम तुम छाटी वाह
मैं तो को डांडू देखन जावा वाह लोक बजन में तू जाल माटी से वालो गोला मीठौ यकुली बवार मी कैसा बिजोलू मेरु नित भाई बंद मी यकुली रोलू वही ना। वाह दोस्तों यही टैलेंट हर पहाड़ की नारी में यही टैलेंट है और इसी टैलेंट को हम अपने ब्लॉग के जरिए आगे बढ़ाते रहेंगे और इसीलिए हमारा ब्लॉग है कि हम पहाड़ की नारियों को अपने ब्लॉग में दर्शाते रहे और पुराने से पुराने सॉन्ग से लेकर जागर से लेकर ओखान से लेकर सब बताते रहे। क्यों बाटी जी बड़ी टाटा कर बाय बाय टाटा टाटा बाय 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 फिर बाय कार्टून सी कर